हेलो एवरीवन, कल हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना। इसमें देखेंगे मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी। यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश का मेप दिखाई दे रहा होगा। इसमें दिखाई दे रहा है कि जो मध्य भारत है, मध्य भारत का पठार कहाँ है, सबसे ऊपर जहाँ पर भिंड मुरैना जिले हैं। उसके बाद उसके नीचे ये नीचे आ जाएंगे तो वहां पर दिखाई देगा हमको रीवा पन्ना का पठार और उसकी साइड है बघेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड के बीच में क्या स्थित है, रीवा पन्ना का पठार। फिर रीवा पन्ना के पठार से बघेलखंड के पठार से शुरू होती है हमारी नर्मदा सोन घाटी। इसके दोनों साइड कौन, इसके दोनों साइड विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत स्थित है। सबसे नीचे आ जाता है हमारा सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, बीच में हमारा नर्मदा सोन घाटी और इसके ऊपर का जो स्थान है वो क्या है, हमारा मालवा का पठार। तो आइए इसको हम देखते हैं। प्रदेश का भौतिक स्वरूप, फिजिकल नेचर, भौतिक स्वरूप के आधार पर मध्य प्रदेश को तीन बड़े बड़े या तीन बृहत प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है हमारा मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है हमारा सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी प्रदेश। इसके अंदर देख लेते हैं हम मध्य उच्च प्रदेश के अंदर क्या क्या आता है। तो पहला आ जाएगा हमारा मध्य भारत का पठार, दूसरा रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, चौथा बुंदेलखंड का पठार, और पांचवा आ जाएगा नर्मदा सोन घाटी। देखो मध्य उच्च प्रदेश यानी कि जो मध्य प्रदेश है उसको भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश के अंदर पांच प्रदेशों को सम्मिलित किया गया है, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और नर्मदा सोन घाटी। अब देखते हैं सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी में तीन प्रदेशों को सम्मिलित किया गया है। सतपुड़ा श्रेणी या सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश भी कहा जा सकता है। इसमें पहला हो जाएगा पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी और तीसरा पठार एवं श्रेणी। अब बस एक ही आएगा, बघेलखंड का पठार, क्योंकि बुंदेलखंड हमने यहाँ पर ले चुके हैं, बघेलखंड का पठार। मैप देखिए, इसके अंदर देखिए जो मध्य उच्च प्रदेश है उस मध्य उच्च प्रदेश एक त्रिभुजाकार पठारी प्रदेश है, क्योंकि इसमें सभी पठार को सम्मिलित किया गया है। तो ये कैसा है, त्रिभुजाकार है और एक पठारी प्रदेश है। अरावली श्रेणी और नर्मदा सोन घाटी के बीच में पाया जाता है या बीच में इस नर्मदा सोन घाटी उपस्थित है। नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में स्थित है विंध्याचल पर्वत और यहाँ पर कैमूर और भांडेर श्रेणियां भी पाई जाती है। विंध्याचल, भांडेर और कैमूर श्रेणी मध्य उच्च प्रदेश का हिस्सा है और यहाँ नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में स्थित है। केक को डिटेल में देख लेते हैं कि मध्य भारत का पठार की स्थिति क्या है, यहाँ पर किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है, जलवायु कैसी है, यहाँ पर कौन
किस टाइप के अनाज उत्पन्न होते हैं? तो पहला लिया था हमने मध्य ऊंची प्रदेश में मध्य भारत का पठार, उत्तर दिशा में उत्तर में यमुना, में यमुना के मैदान, दक्षिण में मालवा के पठार और पूर्व में बुंदेलखंड के पठार। तथा पश्चिम में राजस्थान से घिरा है। देखिए इसकी स्थिति देख लेते हैं। जो मध्य भारत का पठार है उसके उत्तर में यमुना का मैदान है, दक्षिण में मालवा का पठार और पूर्व में क्या है, बुंदेलखंड का पठार। जैसा कि हमने अभी मैप में देखा, पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है, पश्चिम में क्या है, राजस्थान। राजस्थान की अरावली श्रेणी के सीमांत भ्रंश से ये अलग होता है। कौन? मध्य भारत का पठार। ये नाम देख लेते हैं, इसका अन्य नाम है चंबल आर्द्र प्रदेश। चंबल आर्द्र प्रदेश इसका दूसरा नाम है। यानी कि कभी भी आपको एग्जाम में ही आ जाए कि मध्य भारत के पठार को और क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा चंबल आर्द्र प्रदेश। इसमें दोमट मिट्टी पाई जाती है और इन्हीं मिट्टी से ढकी हुई जलज चट्टानें भी पाई जाती हैं। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो दोमट मिट्टी और चट्टाने जलज, यानी कि जो जल में डूबी हुई होती हैं, दोमट मिट्टी से ढकी हुई जलज चट्टाने मध्य भारत के पठार में पाई जाती है। अंदर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? चंबल, बल, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां मध्य भारत के पठार में प्रवाहित होती हैं। चंबल, काली सिंध और महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। में देखें हम तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी पाई जाती है। आगे अभी हम आगे देखेंगे हम मिट्टियों के प्रकार, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी। तो यहाँ पर मध्य भारत के पठार में जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो प्रमुख फसलें हैं वो है गेहूं, बाजरा और ज्वार। मध्य भारत के पठार की प्रमुख फसलें हैं। खनिज की दृष्टि से इस क्षेत्र को देखा जाए तो यहाँ पर खनिज की दृष्टि से संपन्न नहीं। एक बार फिर से देख लेते हैं हम। मध्य भारत का पठार उत्तर में यमुना के मैदान से घिरा हुआ है, दक्षिण में मालवा के पठार से, पूर्व में बुंदेलखंड और पश्चिम में राजस्थान, जो कि अरावली श्रेणी के भ्रंश से पृथक होता है। और इस प्रदेश का अन्य नाम है चंबल आर्द्र प्रदेश। इसमें दोमट मिट्टी पाई जाती है और दोमट मिट्टी से ढकी हुई जलज चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर चंबल, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां प्रवाहित होती हैं। यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। जलोढ़ और काली मिट्टी पाई जाती है और गेहूं, बाजरा और ज्वार यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। हमारा रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड और बघेलखंड के बीच में पाया जाता है और पश्चिम में नर्मदा सोन घाटी। यहाँ मालवा के या मालवा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व में स्थित है। नाम है विंध्यन,
कगारी प्रदेश, ये नाम याद रखिएगा, विंध्यन कगारी प्रदेश रीवा पन्ना के पठार का ही दूसरा नाम है। यहाँ पर मिट्टी मिलती है, यहाँ पर बलुई मिट्टी, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर रीवा पन्ना के पठार की जो प्रमुख फसल है वो गेहूं है, जबकि इसका जो पूर्वी भाग है वहां पर चावल की खेती की जाती है। और इस प्रदेश के लोगों का जीविक इस क्षेत्र के लोगों का उपार्जन कृषि पर ही आधारित है। इस प्रदेश का जीविकोपार्जन कृषि पर ही आधारित है, अर्थात कहा जा सकता है ये कृषि आधारित क्षेत्र है। रीवा पन्ना का पठार कहाँ है? मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में स्थित। मान लीजिए कि यहाँ पर रीवा पन्ना का पठार है तो यहाँ पर इसकी स्थिति हो जाएगी उत्तर पूर्व में। ये देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये जो हिस्सा है हमारा ये कहलाता है मध्य भारत का पठार, ठीक है। और यहां से मैंने आपको कहा था कि यू आकार की आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, ये हो जाएगा हमारा बुंदेलखंड का पठार, ये मध्य भारत, ठीक है। उसके बाद में जगह बस्ती है, ये कहलाता है हमारा रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार के नीचे आ जाएगा बघेलखंड का पठार, और यहीं से शुरू हो जाती है हमारी नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी सतपुड़ा मेकाल, और ये बाकी जो हमारा हिस्सा बच रहा है ये पूरा हो जाता है मालवा का पठार। देखिए मालवा के पठार की स्थिति हम देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा कि ये किसका हिस्सा है, मध्य उच्च प्रदेश का हिस्सा है मालवा का पठार। तो इसकी स्थिति देखिए हम कहाँ दिखाई दे रहा है हमको, पश्चिम में। तो मालवा का पठार मध्य उच्च प्रदेश का पश्चिमी भाग है या पश्चिमी हिस्सा, और जो कर्क रेखा है वो लगभग इसके मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मालवा के पठार के मध्य से होकर गुजरती है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है सिगार, जिसकी ऊंचाई है 881 मीटर। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय, और मानसूनी कह सकते हैं हम, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई गई। कौन कौन सी है? छिप्रा, काली सिंध प्रमुख नदियां, चंबल नदी, और यहाँ की जो प्रमुख फसल है वो है गेहूं। मालवा का पठार मध्य उच्च प्रदेश का पश्चिमी भाग है, इसलिए इसको पश्चिमी भाग के नाम से भी जाना जाता है। मालवा के पठार से कर्क रेखा लगभग मध्य से होकर जाती है, और यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी या सबसे ऊंची चोटी है सिगार, जिसकी ऊंचाई है 881 मीटर। यहाँ पर जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं छिप्रा, काली सिंध और चंबल, और गेहूं यहाँ की प्रमुख फसल है। हम बुंदेलखंड का पठार, यदि आप इसको मैप के माध्यम से याद रखेंगे
तो आपको स्थिति याद रखना बड़ा ही आसान होगा। जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि बुंदेलखंड के पठार के पश्चिम में कौन है, पूर्व में कौन है, दक्षिण में कौन है, तो हम आसानी से बता सकते हैं, इसको रटना नहीं पड़ेगा। ये क्या है? उत्तरी भाग है, मध्य उच्च प्रदेश का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? बुंदेलखंड का पठार। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सिद्ध बाबा, जिसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। देखिए कि ये पूर्व तक फैला हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि जो बुंदेलखंड का पठार है वो पूर्व दिशा तक फैला हुआ है, और इनका जो निर्माण हुआ है वो ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है, ग्रेनाइट नीस या फिर ग्रेनाइट चट्टान। ये जो प्रमुख नदियां हैं सिंध, बेतवा, केन और भसान, यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। यहाँ की जो प्रमुख फसल है वो है ज्वार, ज्वार यहाँ की प्रमुख फसल है। ये बुंदेलखंड का पठार ये उत्तरी भाग में अवस्थित है और पूर्व तक फैला रीवा बन्ना के पठार तक। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1172 मीटर, और ये पूर्व तक फैला है, और जो चट्टाने हैं जिनसे मिलकर इसका निर्माण हुआ है वो ग्रेनाइट टाइप की चट्टाने हैं या ग्रेनाइट नीस उनको कहा जाता है। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं सिंध, बेतवा, केन और धसान, और यहाँ की प्रमुख फसल है ज्वार। अब देखते हैं हम नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी कहाँ? नर्मदा सोन घाटी जो है वो निचले प्रदेश में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 300 मीटर है, यानी ये अन्य प्रदेश की तुलना में कैसा है? निचला प्रदेश है। यहाँ पश्चिम से, यहाँ से अगर इसकी शुरुआत मानी जाए तो पश्चिम से उत्तर पूर्व तक एक लंबी सकरी भ्रंश घाटी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, भ्रंश घाटी के रूप में स्थित है। इसके जो दक्षिण में, नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है, और उत्तर में है विंध्याचल पर्वत। ये ध्यान रखिएगा, नर्मदा सोन घाटी इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं को विभाजित करने का कार्य करती है। दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत, ये सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, और उत्तर में क्या है? विंध्याचल पर्वत। यहाँ पर दक्कन ट्रेप की चट्टानें पाई जाती हैं, दक्कन ट्रेप की। और यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा तो भी, नर्मदा सोन घाटी तो हो ही गई, सहायक नदियां हैं उनके हम नाम लिखेंगे, दूधी, शक्कर। हम देख लेते हैं सतपुड़ा श्रेणी या सतपुड़ा मेकाल श्रेणी भी कहा जाता है इसे। दक्षिण स्थिति हमको दिखाई दे रही है, दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है, दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत है। वह गोदावरी नदी व नर्मदा नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, इस साइड नर्मदा नदी है और इस साइड गोदावरी नदी है, तो यह श्रेणी दो नदियों को विभाजित करने का कार्य करती है। श्रेणी में क्या है? वन, खनिज संसाधन, जल संसाधन। जल संसाधन की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए सतपुड़ा अभी हमने देखा, तो सतपुड़ा को हमने तीन श्रेणियों में बांटा था। पहला था पश्चिमी सतपुड़ा, तो ये पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है, नाम से दिख रहा है हमें पश्चिमी सतपुड़ा, पश्चिम से लगाकर ये सतपुड़ा श्रेणी है, इसको तीन हिस्सों में बांट दिया गया है।
तो इस साइड का जो हिस्सा है उसे हम कहेंगे पश्चिमी, पश्चिम से लगा के पूर्व तक फैला हुआ है। पूर्व में कहां तक? बुरहानपुर के दर्रे तक, और इसकी औसत ऊंचाई है 900 मीटर, इस श्रेणी की औसत ऊंचाई। पूर्वी जो पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी है वो अधिक चौड़ी हो गई है किसकी तुलना में? पश्चिम की तुलना में। पूर्वी पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है पश्चिम भाग है, पश्चिम से लगा के पूर्व में बुरहानपुर के दर्रे तक पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी फैली हुई है और इसकी औसत ऊंचाई है 900 मीटर। अब देख लेते हैं हम पूर्वी श्रेणी पश्चिमी श्रेणी की तुलना में और अधिक चौड़ी हो गई है, ध्यान रखिएगा ये थोड़ी सक्रिय है, उसकी तुलना में पूर्वी श्रेणी अधिक चौड़ी हो गई है। और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है MPPSC का, ये बहुत बार पूछा गया है कि धूपगढ़ श्रेणी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो ये ध्यान रखिए महादेव श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़, और इसकी औसत इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1350 मीटर। और ट्रेप और गोंडवाना शैल की चट्टानें पाई जाती है, दक्कन ट्रेप और गोंडवाना शैल समूह की चट्टानें पाई जाती है कहाँ पर? पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी में, या फिर कभी पूछा जाए आपसे महादेव श्रेणी या महादेव पर्वत श्रृंखला में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो दक्कन ट्रेप और गोंडवाना शैल। अगला है हमारा मेकाल पठार, तो सतपुड़ा के पूर्व में स्थित श्रेणी को, ये पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ था ये ध्यान रखना है, तो पूर्व में स्थित ये कहाँ स्थित है? पूर्व में जो सतपुड़ा पर्वत है उसका पूर्वी भाग कहलाता है मेकाल पठार, तो वहां पर जो श्रेणी उसको मेकाल पठार कहा जाता है और इसकी औसत ऊंचाई है 600 मीटर। और इस श्रेणी के उत्तर में पूर्वी सतपुड़ा के पूर्वी भाग में हमने कह दिया मेकाल पर्वत, और इस श्रेणी के उत्तर में उत्तर से दक्षिण दिशा में एक अर्धचंद्राकार भाग पाया जाता है जिसे मेकाल श्रेणी कहा जाता है। यहाँ पर ये मेकाल पठार है, सतपुड़ा के पूर्वी भाग को मेकाल पठार कहा जाता है और उत्तर से दक्षिण दिशा में एक अर्धचंद्राकार रूप है जिसे कहा जाता है मेकाल श्रेणी। देखिए कैसे, मान लीजिए कि ये पूर्व दिशा है, ये हमने पर्वत मान लिया है, तो ये पूर्वी भाग हो गया हमारा पठार, यहाँ पर ये उत्तर से दक्षिण इस प्रकार से फैला हुआ इसे कहा जाता है मेकाल श्रेणी, अर्धचंद्राकार हो गया ये, यहाँ इस श्रेणी का ही हिस्सा अमरकंटक श्रेणी जो है इसी श्रेणी का हिस्सा है जो कि नर्मदा सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है और हिंदुओं का तीर्थ स्थल, जिसे हिंदुओं का तीर्थ भी कहा जाता है अमरकंटक को। देखिए अब हमारा आखिरी बचा है पूर्वी पठार, जिसके अंतर्गत आता है बघेलखंड का पठार, यह मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित है, ये दिखाई दे रहा है आपको उत्तर पूर्वी हिस्सा है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर बघेलखंड का पठार स्थित है, यहाँ पर गोंडवाना शैल समूह की चट्टाने पाई जाती, किस प्रकार की चट्टाने? गोंडवाना, और यहाँ की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है जिसे सबसे अच्छी जलवायु माना जाता है, तो यहाँ पर क्या है सघन वन पाए जाते हैं और पशुओं की संख्या भी यहाँ पर अधिक पाई जाती है।
यहाँ पर सागौन, तेंदू, साल आदि प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि इनके लिए क्या है, मानसूनी जलवायु बहुत अच्छी रहती है। ये मानसूनी जलवायु के वातावरण में सागौन, तेंदू और साल, इन वृक्षों के लिए मानसूनी प्रकार की जलवायु आवश्यक होती है। यहाँ पर लाल पीली मिट्टी, काली पथरीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ का जो यहाँ की जो मुख्य फसल है वो है चावल। इसके अलावा यहाँ पर तिल अलसी भी उगाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।